निकालने देगा। यह मिस्र की क्रांति तो कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, मिस्र में क्रांति हो रही है, वहां एक आदमी को कितने पैसे मिल रहे हैं? रोज के 100 रुपए लगभग मिल रहे हैं, और यहां तो 20 रुपए मिल रहे हैं, 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोज के जिंदगी बसर करने के लिए। फिर भी यहां क्या क्रांति नहीं होगी? क्रांति तो होगी, बस इस क्रांति को एक अच्छा स्वर नहीं मिल रहा था। मैंने तो देश के 120 करोड़ लोगों की पीड़ा को स्वर दिया है, यह काम तो अपने आप होगा। ए राजा ने कोई मेहनत की क्या? ये दे दिया ले टाटा को, ए लिख दिया TA, ये लो टाटा को दे दिया। कितना? इतना स्पेक्ट्रम, इतना स्पेस टाटा को दे दिया। दूसरा दे दिया ये लो रिलायंस को, तीसरा दे दिया वोडाफोन को। बस इतनी सी कलम चलाई और बेईमान ने कितने ले लिए? 2 लाख करोड़। इसको मेहनत बोलते हैं क्या? पहले राजा हल चलाता था, महाराजा जनक ने क्या चलाया था? हल। बोला बाबा समझ में तो आ गई, ऐसे पूरे देश को समझाना है। अब सबको आपको सिग्नेचर के लिए पेपर दिए जा रहे हैं क्या? ठीक है ना, ये सबको सिग्नेचर करने हैं। जैसे मेरे पास आ चुके हैं ना, ये कितने आ चुके हैं? 25,000। और जो इस पर सिग्नेचर नहीं करेगा वही है गद्दार। मुझे प्रसन्नता है यहां के एमपी को तो ढूंढने में लगे हुए, हम मिल नहीं रहे अभी, लेकिन मिल जाएंगे। जो जो मिलेगा और नहीं करेगा ना, अब हम ढूंढेंगे। हमने आज नहीं मिला तो 27 वाले में नथी करके भेजेंगे प्रधानमंत्री, और पहला पेपर उन्हीं का भेज रहे हैं जो जनप्रतिनिधि है, जो वार्ड मेंबर हैं, जो सरपंच हैं, सरपंचों का बाद में आएगा नंबर, और इनका जो जिला पंचायत आदि वाले हैं इनका भी नंबर आएगा तहसील वाले में। आज हमने क्या लिया है? आज हमने कोशिश की है जो एमएलए और एमपी है उनका आज ले लिया जाए जिले वाले में। आज नहीं, 27 फरवरी को पकड़ेंगे। 27 फरवरी को नहीं पकड़ में आए तो 23 मार्च को पकड़ेंगे। और जिसने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए काला धन वापस लाने में, समझ लेना वही चोर है, गद्दार है, बेईमान है। और उनके कम से कम एमपीओ के तो हम नाम भी बताएंगे कि किस किसने नहीं किए, पता तो लगे देश के लोगों को। अब कहने को तो कल एक देश के बड़े राजकुमार ने भी कह दिया कि काला धन वापस आना चाहिए, उसके पास में भी भेजूंगा सिग्नेचर करने के लिए। आप समझ गए होंगे किसका नाम ले रहा हूं मैं, कपाल भाती करते रहो। वापस आना चाहिए, ये मैं बात कहूं तो समझ में आती है, गवर्नमेंट को वापस लाना चाहिए। कहना तो हमको चाहिए, आज हमको खाली कहने का हक है, लाने का हक है, लाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार पैसा वापस नहीं लाती, इसका मतलब केंद्र सरकार भी भ्रष्ट और बेईमान है या उनकी संरक्षक है। सीधी सी बात है, मैं पूरा ज्ञापन पढ़ के बताऊंगा आपको। इस पूरे ज्ञापन पर मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने भी सिग्नेचर किए हैं बिलासपुर वाले ज्ञापन के ऊपर, जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी सिग्नेचर किए, पूर्व सांसद महोदय हमारे, तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय जो है धर्मलाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अंजना जी, और पूर्व सांसद मनोहर लाल जी, पूर्व मंत्री बीआर यादव जी, और महापौर बिलासपुर की श्रीमती वाणी राव जी, इन्होंने सबने सिग्नेचर किए, सबका धन्यवाद। इस पर सिग्नेचर करने का मतलब है प्रधानमंत्री की आंखों पर आएगा सबसे पहले किसने भेजा है, और पहले पहले लगाएंगे। और जो नहीं डरते हो वो हमारे साथ में आए। और एक बात और कहता हूं, जो सच के साथ खड़े होंगे उसके साथ यदि किसी ने भी अन्याय किया तो हम किसी भी कीमत पर उसके साथ खड़े होंगे। कोई आप किसी को दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता, कोई भी हो। इस देश में इतना तो अधिकार मिल ही गए इस टूटी फूटी आजादी में। आज मैं बिलासपुर के साथ साथ पूरे देशवासियों से आह्वान कर रहा हूं, उठो आओ, अब अपना हक मांगो, और देश का पैसा जो गद्दारों ने लूटा है उसको वापस लाने के लिए आवाज उठाओ। पहले हम उठाएंगे आवाज, और फिर भी ये सरकारें नहीं मानी, क्योंकि सरकारें इतनी असंवेदनशील, इतनी कायर कमजोर बुजदिल, इतनी बेईमान, इतनी शक्तिहीन हो गई है, इतनी पराक्रमहीन हो गई है, वो बहरी हो चुकी है। कितना ही बोलो, आज तक मैं बोल रहा हूं
यो तो पिछले 15-20 साल से बोल रहा हूं, पिछले 2 साल 3 साल से 5 साल से मुखर होकर के बोल रहा हूं, और पिछले 5 महीनों से तो भरसोई मन की यात्रा चल रही, हर दिन बोल रहा हूं। मेरी एक भी बात का यदि मैंने गलत कहा तो मुझे रोको ना। मेरी एक भी बात का क्या किसी भ्रष्ट और बेईमान नेता ने कभी कोई जवाब दिया? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं देश के सामने तो मुझे रोको, यदि मैं सच बोल रहा हूं तो फिर साथ में खड़े हो। देश तो खड़ा हो चुका है और कोई भी बेईमान बोल नहीं रहा है, नहीं तो आज तक इन बेईमानों के खिलाफ कोई बड़ी ऊंची मंच से बोल पाया? कोई ऊंच जिसके प्रति करोड़ों लोग आस्था रखते हो, जिसने बोला उसी को कुचल दिया, या तो उठा दिया या मार दिया या कुछ भी कर दिया, क्यों नहीं बोल पा रहे? सच्चाई है, क्या क्या सच्चाई है वो आपके सामने रखेंगे। अब तो क्रांति का शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज गया, महाक्रांति का वीर और शौर्य जगाना है, असमंजस में समय गमाकर कायर नहीं कहना। कुछ लोग मानते तो हैं ये देश बचना चाहिए, लेकिन वो खड़े नहीं होते सच के साथ। अब मात्र मौन समर्थक नहीं, मात्र मौन प्रशंसक नहीं, अब उदासीन भी मत रहिए और मात्र मौन समर्थक भी नहीं, अब तो प्रखर होकर के सामने आइए। इसलिए मैंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया, आज के दिन महात्मा गांधी की शहादत को कुर्बानी को, उनका तो जीवन सत्य ईमानदारी और अहिंसा इसी पर आधारित था और उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, तो हम क्यों नहीं खड़े हों सत्य के साथ। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर और शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के कुर्बानी के दिन 23 मार्च को पूरे देश को खड़ा होना है सच के साथ, और सारे देश को पता लग जाएगा कि देश में कितनी बड़ी शक्ति है, देश को किन लोगों ने लूटा है। 27 फरवरी को एक और सुखद संयोग है, 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है और महर्षि स्वामी दयानंद जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की और प्रथम स्वातंत्र संग्राम से लेकर के देश के अंतिम आजादी के आंदोलन तक, ये मैं नहीं कह रहा, देश के इतिहासकार कहते हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीता वी पटना रमैया उसने भी माना है कि देश की आजादी में आर्य समाजियों का 70-80% योगदान था। उस महर्षि दयानंद का जन्मदिन भी 27 फरवरी को है। अब दोबारा से इस देश को बर्बाद होने से बचाना है और अपने महापुरुषों के सपनों का भारत, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना है। अब ये जो भारत चल रहा है ना, ये जो है महात्मा गांधी के सपनों का भारत नहीं है, ये महात्मा गांधी के सपनों का भारत नहीं है, ये भारत विवेकानंद के सपनों का भारत नहीं है, ये भारत महात्मा गांधी के, स्वामी विवेकानंद के, सिद्धानंद के सपनों का भारत नहीं, अंग्रेजों के सपनों का भारत है। कैसे, जरा सुनना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया यह कहकर के हमको धोखा दिया गया, आजाद हुआ ही नहीं। 14 अगस्त 1947 को समझौता कर लिया माउंट बेटेन और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, अब ये सच है, ये तो कहना पड़ेगा, मैं कभी किसी का नाम लेकर के सच को भी नहीं कहता हूं जिससे कि बिना मतलब विवाद ना हो, लेकिन कुछ जगह तो सच बोलना पड़ेगा, मींस कुछ जगह सच तो हम सब जगह ही बोलते हैं लेकिन कुछ जगह हम सीधा नाम लेने से बचते हैं, लेकिन यहां तो बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री वही थे, दूसरे तो हम किसी का नाम ले नहीं सकते। प्रथम प्रधानमंत्री और माउंट बेटन ने एक समझौता किया, उसका नाम था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। क्या आपको इसका पता है? इसमें समझौते में कहा गया कि हम अपने देश के एजुकेशन की भाषा अंग्रेजी ही रखेंगे। क्या जापान अपने देश के नागरिकों को अंग्रेजी में पढ़ाता है? क्या फ्रांस अपने देश के नागरिकों को अंग्रेजी में पढ़ाता है? क्या जर्मनी अपने देश के नागरिकों को अंग्रेजी में पढ़ाता है? क्या रूस और चीन अपने देश के नागरिकों को अंग्रेजी में पढ़ाता है? क्या सऊदी अरब अपने नागरिकों को अंग्रेजी में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता। क्यों? वो सब स्वाभिमानी है। उन्होंने कहा हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, ना हमें अपनी भाषा का सम्मान, ना अपनी वेशभूषा का सम्मान, ना अपने भेषज का सम्मान, ना अपने भजन का, ना अपने भोजन का, ना अपने वतन का, ना अपनी संस्कृति का। जितनी भी हमारे सांस्कृतिक प्रतीक थे उनको तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इस समझौते के अंदर लिख रखा है कि
सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो उनको अंग्रेजों को सौंपेंगे। और मुझे शर्म आती है बात कहते हुए, हमारे देश के गद्दार नेताओं ने मान लिया सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देंगे, तो उनको इस समझौते का उल्लंघन होता है यदि उनको भारत रत्न मिलता है। मैं मानता हूं देखो सब कलाकारों को भी मिलना चाहिए, लेकिन जब संगीत गाने वालों को भारत रत्न मिल सकता है तो संगीतों के साए में जीने वाले देश के शहीदों को भारत रत्न क्यों नहीं मिलता है? एक तो आज संकल्प लेके जाना, महात्मा गांधी का आज बलिदान दिवस है, कोई भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तु कंपनियां देश को लूट रही है। पहले एक कंपनी देश को लूटती थी, क्या नाम था उसका बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी। आज का दिन देश के नाम है हमारा, पूज्य बापू के नाम है। एक आज के दिन एक संकल्प लेके जाना, एक कंपनी ने देश को लूटा, बर्बाद कर दिया, सदियों तक गुलाम रखा, आज 5000 से ज्यादा कंपनियां देश को लूट रही हैं। जरा सुनना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। हमें हमारे देश के लोग नेताओं ने हमसे झूठ बोला, विदेशी कंपनियां पूंजी लेके आती हैं, विदेशी कंपनियां रोजगार बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां निर्यात बढ़ाती हैं, और विदेशी कंपनियां तकनीकी लेके आती हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ाती हैं, महाझूठ। जरा सुनो, हिंदुस्तान कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपके सबके घरों में उसके सामान रहता है ना कोई, कुछ लोगों ने तो स्वदेशी का व्रत ले लिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वदेशी का व्रत ले चुके हैं, वो हाथ उठाना। अरे हाथ ही लाओ जरा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मैं कहीं से भी बोलूं असर पूरे हिंदुस्तान में होता है, मुझे प्रसन्नता है, आपको धन्यवाद है दिल से, हृदय से, आत्मा से। मैंने कई बार आह्वान किया, आओ स्वदेशी का व्रत लो। मैं स्वयं गाड़ी से लेकर के मैं हिंदुस्तानी गाड़ी में ही बैठता हूं, स्वदेशी गाड़ी में, घड़ी ये हिंदुस्तानी घड़ी है, कोई भी चीज विदेशी प्रयोग नहीं करता, साबुन शैंपू टूथपेस्ट क्रीम पाउडर, मेरे भी बाल है मैं भी शैंपू करता हूं, मेरे भी दांत है मैं भी मंजन करता हूं सप्ताह में 5-6 दिन, एक दो दिन टूथपेस्ट भी करता हूं, थोड़ा उससे क्लीननेस ज्यादा हो जाती है, लेकिन जड़ी बूटियों से बना हुआ, पहले अपने ऊपर प्रयोग किए बाद में आपके ऊपर प्रयोग करवाया, और जो दंत कांति टूथपेस्ट बनाया ना उस जैसा टूथपेस्ट तो कोई है ही नहीं। आप स्वदेशी प्रयोग करो ना, क्यों केमिकल से अपने मुंह को खराब करते हो? तो टूथपेस्ट साबुन शैंपू सब जड़ी बूटियों वाले प्रयोग किया करो, स्वदेशी प्रयोग करो, और इससे तो देश का बहुत भला होगा, गरीबों का भला होगा, गांव का भला होगा, और देश का धन विदेशी लोगों के हाथों में नहीं जाएगा। जो लोग कहते हैं ना विदेशी कंपनियां धन लेके आती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका लॉक्स जिसका लाइफ बॉय आप प्रयोग करते हो, आप ये क्लिनिक प्लस डो ये सब हिंदुस्तान लीवर के ही है, फिर कुछ जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयोग करते हो आप सामान, कोलगेट पेप्सोडेंट आदि प्रयोग करते हो, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियों का सामान प्रयोग करो, वस्तुएं प्रयोग करो। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। आइए हाथ उठा करके आप भी गाइए। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, कर्म से है सबकी पहचान, सबको सम्मति दे भगवान, कर्म से है सबकी पहचान, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति।
भगवान, सारा जग तेरी संता।